चक्रवर्ती ना कि एक महान अभिनेता है बल्कि एक डांसर भी है और उनकी डांसिंग के तो हर कोई कायल है। उन्हें इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी सम्मान मिला है और उनके काम की हर बार ही तारीफ होती है और वो इसके हकदार भी हैं। लोग उन्हें दादा कहकर बुलाते हैं और बंगाली में दादा का मतलब होता है बड़ा भाई। लेकिन आपको बता दें कि एक वक्त ऐसा भी था जब उनके परिवार में सब कुछ सही नहीं चल रहा था, क्योंकि उनके बेटे मेमो और उनकी पत्नी योगिता बाली कानूनी पचड़े में फंस गए और इससे निश्चित तौर पर मिथुन चक्रवर्ती भी काफी परेशान थे। लेकिन आपको बता दें कि इन सब परेशानियों के अलावा और अपने काम के अलावा भी वो एक चीज के लिए काफी ज्यादा चर्चाओं में रहे हैं और उसके लिए सभी उनकी दिल से रेस्पेक्ट भी करते हैं, और वो वजह है उनकी बेटी दिशानी चक्रवर्ती। जी हाँ, दिशानी चक्रवर्ती को मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली ने गोद लिया है। दरअसल किसी ऑफन से नहीं बल्कि दिशानी को उनके पैदा होते ही उनके माता पिता कचरे के पास छोड़कर चले गए थे। तो चलिए जान लेते हैं दिशानी और मिथुन चक्रवर्ती से जुड़ी इस खास जानकारी को। मिथुन चक्रवर्ती एक गोल्डन हार्टेड पर्सन है और उन्होंने एक नवजात लड़की को स्वीकार करके उसे अपना नाम देकर इस बात को साबित भी कर दिया। मिथुन ने साल 1989 में योगिता से शादी की। दोनों के 3 बच्चे हैं, मिमो, उष्मी और नमशी, और दिशानी की भी उन्होंने परवरिश की है। दिशानी चक्रवर्ती जल्द ही बॉलीवुड में एंट्री करने वाली है और इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दे कि वो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुई थी। दरअसल हमारे भारतीय समाज में ऐसी हमेशा से ही धारणा रही है कि जो माता पिता रहे हैं वो हमेशा से ही लड़कों को प्रायोरिटी देते हैं और लड़कियों को त्याग देते हैं, और ऐसी ही परिस्थिति का सामना किया दिशानी ने जब उनके माता पिता ने उनके पैदा होने के बाद उन्हें कचरे के ढेर के पास छोड़ दिया। वो नवजात बच्ची वहाँ पर रोती हुई नजर आई। लोगों ने आते जाते उसे देखा लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। इसी बीच में अखबार में ये न्यूज सामने आती है और मिथुन चक्रवर्ती का ये न्यूज देखकर दिल पिघल जाता है और वो पहुंच जाते हैं उस बच्ची की मदद करने के लिए। एक एनजीओ और कुछ सरकारी अधिकारियों ने उस बच्ची को बचाया और वो बच्ची उस वक्त काफी कमजोर स्थिति में थी, क्योंकि वो नवजात बच्ची बिना कुछ खाए हुए थी उस टाइम पर और वो फिजिकली काफी कमजोर हो गई थी, तबीयत खराब थी उसकी। फिर इसके बारे में मिथुन ने अपने घर पर भी बातचीत की और उस वक्त पर योगिता बाली के मन में उस बच्चे को अपनी गोद में लेने की बातें चल रही थी, और जैसे तैसे भी हो उन्होंने जल्द से ही रात भर ये सारे पेपर वर्क कंप्लीट किए ताकि वो उस बच्चे को गोद ले सके। फिर फाइनली मिथुन और योगिता उस बच्चे को गोद लेने के लिए पहुंचे और जैसे ही उस बच्चे को अपनी गोद में लिया, उस बच्चे को अपनाया, साथ ही साथ उस बच्चे को अपना नाम भी दिया और अपने तीनों बच्चों के समान ही उसे परवरिश दी, और साथ ही उसे एक बेहद ही प्यारा नाम दिशानी नाम दिया गया। दिशानी की परवरिश उन्होंने बहुत अच्छे से की है और परिवार में उनके साथ कभी भी भेदभाव वाला व्यवहार नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने काफी अच्छी शिक्षा प्राप्त की है और साथ ही न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से वो अपनी एक्टिंग का कोर्स भी कर रही है और जल्द ही बॉलीवुड में वो एंट्री करने के लिए रेडी है। हमें वाकई में कहना ही चाहिए कि मिथुन चक्रवर्ती जैसे लोग ही हैं जो इस समाज में एक मिसाल कायम करते हैं और हमें उनके इस कृत्य के लिए उन पर गर्व है। आपको कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, और आप तो कैसे और भी कई किस्से कहानियां बताते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।